गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल सीसीआर विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का कुछ टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, ये प्रोटीन से संबंधित टॉपिक है। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे ज़रूर आप लोग देखिएगा, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन यह है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम, मैरास्मस और क्वाशियोरकर, ये दोनों प्रोटीन की कमी से देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन है कि वसा शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। क्या करता है, शरीर ऊर्जा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपर्याप्त पोषण से होने वाली बीमारियों के नाम, हृदय रोग, मधुमेह, स्ट्रोक, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सभी अपर्याप्त पोषण के कारण होता है। आगे है कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना विटामिन का मुख्य कार्य है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये घेंघा नामक बीमारी होता है आयोडीन की कमी से। आगे है क्वेश्चन की लौह तत्व की कमी से क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, यह है लौह तत्व की कमी से। आगे है विटामिन बी डी की कमी से होने वाले रोग के नाम, बच्चों में देखिए पाया जाता है रिकेट्स। अगर विटामिन डी की कमी हो जाता है तो बच्चों में अगर कमी हो रहा है तो रिकेट्स नामक बीमारी होगी। वयस्क या प्रौढ़ एडल्ट में हो रहा है तो मलेशिया, और वृद्धों में हो रहा है तो ऑस्टियोपोरोसिस, ये सभी विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। आगे कह रहा है कि यहाँ पर विटामिन सी से होने वाली बीमारी स्कर्वी नामक बीमारी होती है। आगे है यहाँ पे विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, तो देखिए रतौंधी है, यहाँ पे रतौंधी है, विटोर स्पॉट है, करोटो मलेशिया है, जीरोसिस है, ये सभी विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के नाम, तो नपुंसकता, प्रजनन क्षमता का कम होना, ये हमारे विटामिन ई की कमी से होता है। शरीर विटामिन के कमी से होने वाले रोग ऑस्टियोपोरोसिस है, हीमोफीलिया, खून का थक्का न बनना, ये सभी हमारे विटामिन के से होता है। अब हम देखते हैं कि विटामिन के स्रोत कौन कौन से होते हैं। विटामिन के स्रोत है सरसों का साग, गेहूं, जौ, पालक, मूली, चुकंदर, जैतून का तेल, केले, डेयरी, अंडे, अंकुरित अनाज आदि, ये सभी हमारे विटामिन के स्रोत पाए जाते हैं। जिसको अगर विटामिन के की कमी है तो ये सबका सेवन जरूर करें। आगे है कि मुख्य रूप से कितने विटामिन होते हैं, तो विटामिन यहाँ पर दिखाएं ए बी सी डी ई के, ये सभी मुख्य रूप से विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी सी होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। आगे है कि अपर्याप्त पोषण तत्वों के नाम बताइए, तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी अपर्याप्त पोषण तत्वों के नाम हैं। पर्याप्त में भी आते हैं और अपर्याप्त में, पर्याप्त ये आती है कि अगर आप इसे बराबर बैलेंस के हिसाब से लेते हैं ये पोषक तत्व, तो आपका ये पर्याप्त होगा। अपर्याप्त में जैसे इसमें इसकी कमी पाई जाती है, जो अपर्याप्त के भी अंतर्गत आते हैं। आगे है यहाँ पोषण कितने प्रकार होते हैं, पोषण के दो प्रकार के होते हैं, सुपोषण या कुपोषण। यहाँ पर जो सुपोषण या उत्तम पोषण, गुड न्यूट्रिशन की बात कही गई है, किसकी बात कही गई है, गुड न्यूट्रिशन की बात, कुपोषण में माल न्यूट्रिशन की बात कही गई। अच्छा, सुपोषण क्या है, जो गुड न्यूट्रिशन, जो बराबर मात्रा में आप जो पोषण ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, उसमें जो आपको बराबर क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन सब बराबर मात्रा में मिल रहे, गुड न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। कुपोषण जिससे माल न्यूट्रिशन, कुपोषण में जिसमें सभी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन ये सभी की कमी पाई जाती है, कुपोषण के अंतर्गत आता है। जो कि आहार के अंतर्गत भी अगर देखा जाए तो सही तरीके से भोजन न लेना। आगे अपर्याप्त पोषण को दूर करने वाले, क्योंकि चार प्रकार के पोषक तत्वों पर विवेचना करना था, ये क्वेश्चन आंसर है। पोषण से प्रोटीन है, विटामिन है, प्रोटीन है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये अपर्याप्त पोषण को दूर करने के किन्हीं चार तत्वों की बस बात की गई थी, इसलिए चार तत्व मेंशन है यहाँ। आगे है कि कुपोषण के निवारण के लिए CFTR रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में क्या भूमिका रही है, तो यह क्या भूमिका निभाता है, जो CFTRI है, यहाँ आई मेंशन नहीं किया है। कुपोषण के निवारण के लिए सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर ने बहुत ही कम कीमत से एक संतुलित भोज्य पदार्थ बनाया है। देखिए ये जो CFTRI है, ये एक रिसर्च सेंटर है, ये एक रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट है जो ये मैसूर में है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर जो कुपोषण लोग हैं उनको, उनके निवारण के लिए हम कैसा संतुलित आहार बनाएं कि जो कुपोषित, कुपोषण से सब दूर हों, या कुपोषण से क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य उनका ठीक हो, कुपोषित से दूर हो जाए।
तो यहाँ पर यह टेक्नोलॉजी के अनुसार ये रिसर्च सेंटर पे यह देखा गया कि एक संतुलित भोज्य पदार्थ को बनाया गया है जिसमें इंडियन मल्टीपल फूड को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे है चने का आटा, कितना चने का आटा कितना है 25%, चने का आटा 25% है और मूंगफली का आटा 75%, पूरा 100% यहाँ पे बता दिया गया। चने का आटा और मूंगफली का आटा अगर आप खा रहे हैं तो संतुलित भोज्य पदार्थ के अंतर्गत यहाँ पे है कि अगर आप इन सबको भी अपने डाइट प्लान के अंतर्गत ले रहे हैं तो आपको 25% आपको इसमें मिल रहा है पोषक तत्व और मूंगफली में 75% पोषक तत्व मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम पोषण ले सकते हैं, ये संतुलित आहार के अंतर्गत बनाया गया है। आज के लिए क्वेश्चन इतना ही है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस तरह लाते रहेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।